लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बातचीत की थी वो बेसिकली फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में बात की थी, है ना। और फैराडे के जो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे उस पर हम लोगों ने हमारा पूरा दिमाग लगाया था। अब आज की क्लास में हम लोग फैराडे का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ से रिलेटेड जो काम है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो फैराडे के सेकेंड लॉ में जाने से पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फैराडे का सेकेंड लॉ आखिर है क्या। वैसे तो मैं ये ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में कवर कर चुकी हूँ कि फैराडे का सेकेंड लॉ है क्या, बट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हम इन शॉर्ट में ये बातचीत करते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आपने मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर्स सीरीज में कनेक्ट किए हैं। पहले तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या कहा मैंने, सीरीज में अगर आपने कनेक्ट किए हैं, जैसे आप फिजिक्स में करते हो ना सीरीज कनेक्शन, राइट, वैसा ही अगर हमने हमारे बहुत सारे कंटेनर्स सीरीज में कनेक्ट किए हैं, कनेक्शन इस तरीके से हमने सीरीज में किया है कि हर कंटेनर के अंदर से जो आई है यानी कि जो करंट है, ठीक है, वो बेसिकली सेम है सभी का। जो करंट है यानी कि जो आई है वो बेसिकली सभी का क्या है, बोलो, सेम। तो जब ऑब्वियस है कि सर्टेन टाइम इंटरवल तक अगर आप करंट को किसी भी कंटेनर के अंदर से फ्लो करवाओगे, तो फैराडे के पहले लॉ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उन इलेक्ट्रोड्स पे, उन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कुछ अमाउंट का वेट क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, कुछ अमाउंट का वेट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो फैराडे का जो सेकेंड लॉ है वो इतना सिंपल सा बस कहता है, बस इतना कहता है कि जो भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसका वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, उस इक्विवेलेंट वेट, ध्यान रखना जो वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कि 10 ग्राम फॉर्म हो रहा है, कि 3 ग्राम फॉर्म हो रहा है, कि 5 ग्राम फॉर्म हो रहा है, राइट, जितना भी ग्राम वो फॉर्म हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस फॉर्म, जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, डन। मान लेते हैं अगर आपके पास, लेट यू हैव टू कंटेनर्स, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास क्या है, दो कंटेनर्स हैं और आपने दोनों कंटेनर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है सच दैट कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पास हो रही है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि उन दोनों कंटेनर्स के W और Z के बीच का रिलेशनशिप बताओ, तो आप क्या कहोगे कि जो कंटेनर नंबर 1 है उसमें मान लेते हैं A सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है और उसका WA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EA के। जो कंटेनर नंबर 2 है उसमें लेट से एक बी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है और उसका वो बी सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EB के। और अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि WA अपॉन में WB इक्वल टू EA अपॉन में EB आ जाएगा। और बस यही आप लोगों का फैराडे का सेकेंड लॉ है। इसी फैराडे के सेकेंड लॉ से, ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। हाँ, और एक बेसिक 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 फंडामेंटल फैराडे का फर्स्ट लॉ वो आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल फैराडे के फर्स्ट लॉ की नहीं आती है तो डेफिनेटली अभी की आज की क्लास में गड़बड़, घोटाला, दिक्कत होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि पहले बंदे को फैराडे का सेकेंड आता है लॉ सॉल्व करते, हाँ, लेकिन मैडम मुझे अगर आप फ्राइडे का फर्स्ट लॉ दोगे तो वो मुझको नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है, डन, ठीक है, चले आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें जो सवाल है वो आप लोगों को आएंगे कैसे, देखो सवाल को मैं शॉर्ट में लिख कर देती हूँ। मान लेते हैं ये आप लोगों का पहला कंटेनर है, लेट से कंटेनर नंबर ए, इसके अंदर मैंने ZnSO4 का सोल्यूशन रखा है। ये मान लेते हैं आपका है कंटेनर नंबर 2, लेट से बी, इसके अंदर मैंने AgNO3 का सोल्यूशन रखा है।
और लेट्स से ये हो गया आपका कंटेनर नंबर सी, जिसमें मैंने CuSO4 इसका सोल्यूशन रखा है। अब इनके अंदर ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोड्स होंगे, है ना, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और इन सभी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट से वो है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर का हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और कब तक फ्लो करवा रहे हैं ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। 10 सेकेंड तक, 10 मिनट तक, 10 घंटे तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1.5 एम्पियर वॉज पास्ड थ्रू द अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। मतलब जब तक आपके कैथोड में, ठीक है, ऑब्वियस है किसकी कैथोड, सेल नंबर बी की कैथोड, ठीक है, जब तक आप लोगों का 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग करंट को फ्लो करवाते ही रहेंगे। अब यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी हैं कि टाइम, ठीक है, जब तक आपने करंट को फ्लो करवाया, और दूसरी चीज़, ठीक है, वेट ऑफ कॉपर एंड वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट। ऑब्वियस है कि अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है वो कॉपर के फॉर्म में, मतलब सल्फेट के साथ तो चिपक के रहेगा नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा और उसका कॉपर बन जाएगा, CU बना लेगा वो अपना। तो वो ये बोल रहा है कि हम तब तक करंट फ्लो करवाएंगे जब तक 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाता। आप फिलहाल के लिए ये भूल जाइए कि ये सवाल जो है कोई फराडे के सेकंड लॉ से आया है। आप इसको एक नॉर्मल सवाल के जैसे ट्रीट करिए। सोचिए कि कॉपर सल्फेट और सोचिए कि जिंक सल्फेट इस सवाल में है ही नहीं। आप इसको ऐसे ट्रीट करिए। अगर आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे तो ये सवाल आपसे ज़्यादा इजीली बनेगा। अकॉर्डिंग टू फराडे का फर्स्ट लॉ, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वो ये सीखा था कि जो वेट जिस भी सब्सटेंस का जो फॉर्म हो रहा है वो किसके बराबर होता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, हमने पढ़ा था एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, एटॉमिक वेट के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय करंट जितनी देर के लिए आपने पास करवाया, मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिवाइड बाय क्या आता है, वैलेंसी फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय 96Y00। ये बताए थे तुमको लास्ट क्लास में। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिल्वर फॉर्म होगा, और कितने ग्राम सिल्वर फॉर्म होगा, 1.45 ग्राम सिल्वर फॉर्म होगा। सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 108। कितने एम्पियर करंट फ्लो करवाया गया है, 1.5। कितने टाइम के लिए करवाया गया है, पता नहीं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, देखो सिल्वर एक मेटल है और हम अच्छे से जानते हैं कि सिल्वर खुद को कन्वर्ट करता है इन Ag+ फॉर्म, है ना, सिल्वर खुद को कन्वर्ट करता है इन Ag+ फॉर्म, यानी कि उसका वैलेंसी फैक्टर है 1.96Y00। सो देयरफॉर आपको अभी यहाँ कुछ भी नहीं करना है, एक सादी सी आपकी टाइम की कैलकुलेशन है जो आपको यहाँ पे करनी है। जैसे ही आप वो टाइम की कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1.45 मल्टीप्लाई बाय 96Y00, ठीक है, डिवाइड बाय 108, उसके बाद डिवाइड बाय कितना, 1.5। सो फाइनल आंसर आएगा 863.7 समथिंग। ठीक है, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 863.7 समथिंग। तो ये 7 क्या है मैडम, मिनट्स है कि ये सेकेंड्स हैं, ये क्या है? ठीक है, तो देखो अब इसमें क्वेश्चन में हमने करंट को एम्पियर में रखा है एंड हमारा जो वेट है वो ग्राम में है, तो ऑब्वियस है कि ये जो आंसर निकल के आया, देख लेना मेरे से कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गई हो, एक बार वो डेफिनेटली चेक कर लेना। ठीक है, तो ये जो आपका जो भी आंसर निकल कर आया ये प्रोबेबली सेकेंड्स में, ये आपका सेकेंड्स में, एक बार देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गई हो मुझसे। तो जो पूछा जा रहा था कि कितने टाइम तक के लिए आप करंट फ्लो करवाओगे, तो ये हमारा जवाब है। अब पूछ रहे कि बताइए कॉपर कितना बना होगा, तो कितना कॉपर बना होगा इसको बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
आपका वेट ऑफ कॉपर का अगेन वही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखवा के दिया है, फेराडे फर्स्ट लॉ वाला, कॉपर का जो भी एटॉमिक वेट होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय करंट, वो तो 1.5 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि सारे के सारे लोग सीरीज में कनेक्टेड हैं। अगर सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर आप लोगों ने उनको क्या किया होगा, सेम करंट पास किया होगा। टाइम ये जो ऊपर से आया है ये वाला टाइम आप पुट करेंगे, कॉपर की वैलेंसी फैक्टर कितना है वो आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो कॉपर आपके पास किस फॉर्म में है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। कॉपर आपके पास किस फॉर्म में है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरे पास जो कंपाउंड दिया गया था, ठीक है, जो कंपाउंड मुझे दिया गया था वो बेसिकली मेरा कॉपर सल्फेट था। तो उस कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर प्लस टू के फॉर्म में था, ठीक है। उस कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर जो है किसके फॉर्म में था, प्लस टू के फॉर्म में था, तो इसीलिए यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर होगा टू। ख़त्म। अब तुम एटॉमिक वेट जो भी है कॉपर का वो यहाँ पे पुट कर दो, और जैसे ही तुम पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेम यही लॉजिक आपको जिंक के साथ भी अप्लाई करना है, बस फर्क इतना हो जाएगा कि वहाँ पर आपका एटॉमिक वेट जिंक का आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन में 96500 इंटू में 2। अब तुम बोलोगे कि मैम ये तो आप इतना लंबा चौड़ा, फिर तो पिछली बार का ही फेराडे फर्स्ट लॉ है, इसमें सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन कहाँ है। तो देखो ईडीएट जैसे इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने से बेटर है, क्योंकि हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये वेट ऑफ सिल्वर बराबर अपॉन में क्या, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ख़त्म। टाइम कितना है, कितना करंट है, इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है। वेट ऑफ सिल्वर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना फॉर्म होने वाला है क्वेश्चन में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, 1.45 ग्राम, ठीक है, 1.45 ग्राम अपॉन में वेट ऑफ कॉपर, ये आपको कैलकुलेट करना है, डन। अच्छा, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ध्यान रखना मैंने वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वो होता है इक्विवेलेंट वेट। तो अभी आप लोगों का इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट सिल्वर का होता है 108 और उसका वैलेंसी फैक्टर भी होता है 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी 108 ही आएगा, ठीक है, बराबर। कॉपर का आप देख लीजिए कितना होता है उसका एटॉमिक वेट, डिवाइड बाय आप उसका वैलेंसी फैक्टर 2 कर दीजिए, तो यहाँ से आप लोग जब क्रिस क्रॉस करोगे तो आपको वेट ऑफ कॉपर मिल जाएगा। इसे कहते हैं फेराडे का सेकेंड लॉ, ख़त्म, और कुछ भी नहीं था, इसे कहते हैं फेराडे का सेकेंड लॉ। तो एक्चुअली कैसा है, हम लोगों को ताकि वो हैक्टिक हैक्टिक कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, ठीक है, पगले जैसे बार 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 बार, तो उससे बचने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फेराडे का सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन इसके जैसा करके दिखाती हूँ। बोल रहा है कि आपके पास तीन कंटेनर्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या क्या है वो मैं लिख देती हूँ, चाहे यार पूरा लिखने में ना आंसी आती है, ड्रॉ कर लेते हैं। एक कंटेनर है जिसमें AgNO3 रखा गया है, दूसरा कंटेनर है जिसमें कॉपर क्लोराइड रखा गया है, तीसरा कंटेनर है जिसमें गोल्ड का क्लोराइड रखा गया है, भगवान, और इसमें हमने 1 फेराड सप्लाई किया है। अब देखना यहाँ से, यूजुअली हमारी आदत कैसी होती है सुनने की देखने की कि कितना एम्पियर सप्लाई किया है, ठीक है, हम लोगों की यूजुअली आदत वही होती है कि कितना एम्पियर सप्लाई किया है वो आपको जानने में इंटरेस्ट होता है, ना कि आपको ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि कितना फेराड आपने सप्लाई किया। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही मैडम ये सुनते आते हैं, ठीक है, कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर। खैर अब ये आप लोगों के पास सवाल है, अब इस सवाल में अपन थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग फेराडे वाला जब काम करते हैं तो चीज़ों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं,
बट यहाँ पे अपन एक और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं सवाल का कि अगर कंटेनर को सीरीज के अलावा पैरेलल में कनेक्ट किया गया तब क्या होगा, ठीक है बराबर। अच्छा तो देखो, आपको अगर अगर मान लेते हैं आप चीज़ों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं चीज़ों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आपका जो करंट है I, वो I बेसिकली आपका क्या होगा, सेम होगा। अब जब भी आप कनेक्ट करते हो कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक कंटेनर 10 सेकंड के लिए चल रहा है और दूसरा कंटेनर 10 घंटे के लिए चल रहा है। टाइम तो नो डाउट सेम तो होना ही है, तो अगर I भी सेम होता है सीरीज में, T भी सेम होता है, सो देयरफोर जो Q होता है I मल्टीप्लाई बाई T, है ना, I और T का जो मल्टीप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग Q कहते हैं, जिसको हम लोग Q कहते हैं, ऑब्वियस है कि सीरीज में आप लोगों का जो Q है वो Q भी क्या होगा, सेम होगा। और अगर जब सीरीज में Q सेम हो जाता है और उस वक्त अगर आपको कोई बोले कि रेशियो निकालो उनके मासेस का, तो क्या होगा, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन में, मतलब रेशो वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ कितना गोल्ड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड। अभी अभी मैंने बताया सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट तो यार फिक्स है, दैट इज 108। कॉपर का इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी फैक्टर कितना है। तो आपने यहाँ पे जो लिया है वो कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड में मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो भी एटॉमिक वेट होता है कॉपर का 63.5 / 2, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है गोल्ड का, तो गोल्ड का एटॉमिक वेट होता है 197 / उसकी वैलेंसी फैक्टर। तो AuCl3 में अगर मैं Au का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करती हूँ तो AuCl3 में Au का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी जो होगी वैलेंसी फैक्टर वो कितना होगा, 3। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूजुअली आपके आंसर की में इस तरीके का आंसर नहीं होगा, आंसर ठीक तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक तरीके से मतलब यहाँ पे 31.75 आएगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद आएगा 197 / 3, दैट इज 65.66, जिसको मैंने चलो 5 कर लिया। तो ये जो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हो 108:32:66। और हो सकता है ये आंसर ऐसा भी अप्रॉक्स करके मिले, मतलब इसको 2 के टेबल से डिवाइड करके मिले, ये भी हो सकता है। अगर 2 के टेबल से डिवाइड करके मिलेगा तो 54:16:33 ऐसा आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको रेशियोज निकालने होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि पहले सिल्वर बाय कॉपर का निकालेंगे, फिर कॉपर बाय गोल्ड का निकालेंगे, फिर तीनों का आपस में निकालेंगे, ऐसा मत करना। हमें कोई हाई फंटुश मैथमेटिक्स नहीं करनी है, हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है। बट अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आप चीज़ों को क्या करते हो पैरेलल में कनेक्ट करते हो तब क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक्चुअली होता क्या है, किताबों में ज़्यादातर चीज़ें आपको यही दी होती है कि जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तब क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट कब करते हो तब क्या होता है, ये दिया ही नहीं होता है। तो जब आपका पैरेलल वाला कंसेप्ट आ जाए, इसका मतलब आपको वहाँ पे कॉपर अपॉन में W किसका, गोल्ड का, ये तीनों के तीनों W's नो डाउट इक्विवेलेंट वेट के बराबर तो होंगे ही होंगे। इक्विवेलेंट वेट कहाँ जाएगा यार, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होंगे ही होंगे, बट इस बार करंट सेम नहीं है, इस बार करंट अलग है। पैरेलल में आई थिंक पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ करंट सेम नहीं होता है। यानी कि अगर करंट सेम नहीं है यानी कि क्यू भी अलग होगा। अगर आई अगर आपका अलग है तो क्यू कैसे सेम हो सकता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे इन्हीं इक्विवेलेंट वेट्स को क्यू ऑफ एजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू ऑफ क्या नाम है कॉपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू ऑफ गोल्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि करंट सबके लिए क्या है, अलग अलग है ना, क्योंकि करंट क्या है सबके लिए अलग अलग है इस वजह से, ठीक है। तो मैडम अब हम क्यू कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट तो हमें पता है 108। तो देखो क्यू मतलब होता है आई इंटू टी, Q
क्यू मतलब ये होता है आई इंटू टी। अब अगर आपको हो सकता है ऐसा बोले कि देखो सिल्वर में हम लोग इतना एम्पियर करंट पास करवा रहे हैं इतने समय तक, तो आप आसानी से क्यों निकाल सकते हो। उससे आसान सवाल आपको क्या मिलेगा कि आपको तीनों के लिए अलग 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 एम्पियर करंट दिया हो, तो उससे आसान सवाल यार तुमको क्या मिलने वाला है। लेकिन ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं हमने सवाल में ये ट्विस्ट कर दिया कि जब चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड थी, तो पैरेलल में जब चीज़ें कनेक्टेड थी तो मुझको नहीं पता कि कितना एम्पियर करंट कितना कितना गया, ये सब में मुझको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एक इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आपको बड़े ही प्यार से उसने लाकर दे दी। उसने बोला कि देखो भाई, मैं जब अपने चीज़ों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो उनमें चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज का रेशो 1:2, 2:3 होगा। यानी कि डायरेक्टली उसने आपको बेसिकली तीनों के चार्जेस का रेशो दे दिया। ठीक है, तीनों के चार्जेस का रेशो दे दिया। तो अगर मैं पूछूंगी कि बताइए सिल्वर में कितना चार्ज हुआ, तो आप बोलोगे कि टोटल 6 चार्ज फ्लो हुआ, उसमें से सिल्वर को सिर्फ 1/6 पार्ट मिला। मैं पूछूंगी कि आपके कॉपर को कितना मिला, तो आप बोलोगे उसको 2/6 मिला, क्योंकि रेशो 2:2 वाला है। और मैं पूछूंगी कि यहाँ पे गोल्ड को कितना मिला, तो आप बोलोगे 3/6 का चार्ज मिला। ठीक है, तो कभी आपको इस तरीके से सवाल दे देता है चार्ज वाले रेशो का, तो जब आपको चार्ज वाले रेशो का दे वो कंसेप्ट, तो ऐसे दौरान आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर उनके रेशोज के साथ काम करना है। अच्छा, कई लोगों का डाउट है कि यहाँ 6 कैसे आया, तो यार वो 1:2, 2:3 था। तो देखो ना, ये टोटल आप लोगों का कितना है, ये आप लोगों का टोटल 6 है, तो यहाँ से ये 1:2, 2:2 आप लोगों का 3 वाला 6 आया। ठीक है, तो एक्चुअली में ज़्यादातर कंसेप्ट आपको क्या देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर कंसेप्ट में आपको सीरीज का ही कनेक्शन देखने को मिलेगा ज़्यादातर वक्त पे। ठीक है, ज़्यादातर वक्त आपको सीरीज का ही कनेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ही ऐसा कम क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको कभी कभार कोई पैरेलल वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, बहुत ही ऐसी कम चीज़ें होंगी जब आपको पैरेलल वाला कंसेप्ट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर पैरेलल वाला कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, तो आपको फिर इस सवाल को इस लॉजिक से सॉल्व करना रहेगा। बाकी मेजॉरिटी सवाल जो आते हैं वो आप लोगों के क्या कहते हैं फर्स्ट वाले से आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ से, सेकेंड लॉ से बहुत ही गिन चुन के आते हैं, और जो गिन चुन के आए हैं उस पर मैंने बातचीत ऑलरेडी तुम लोगों के साथ कर ली। बस यही लॉजिक है कि आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है। बाकी तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उनका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते आती हैं तो फिर ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है कि क्या होता है, ये सारा काम। ठीक है, तो खैर यहाँ पे हम लोगों का जो फेराडे का सेकेंड लॉ था, ये सेकेंड लॉ वाला टॉपिक इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों का अभी फ़िलहाल समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको ऐसा लगे कि हाय ये तो बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें हाँ एक कंसेप्ट मैं और बताना भूल गई हूँ, सॉरी, वो मैं बता देती हूँ। वो ये कि जो मैंने बताया कि W1/W2 का रेशो E1/E2 के रेशो के बराबर होता है, ये एक्चुअल में Z1/Z2 के रेशो के भी बराबर होता है। अब ये Z क्या था, तो तुम्हें शायद याद होगा कि जब मैंने लास्ट क्लास में फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, तो फर्स्ट लॉ में हमने कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, दैट कॉन्स्टेंट इज़ बेसिकली योर वॉट, Z। ठीक है, तो हो सकता है कल को तुम्हें Z से रिलेटेड सवाल आ जाए। तो यहाँ पे हम लोगों का फेराडे सेकेंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की कॉपी चेकिंग करवाएंगे वो रहेगा पैरामीटर्स रिलेटेड टू कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मेरा तुमसे ये सजेशन है कि जितना भी तुमको पढ़ाया था कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और वगैरह वगैरह, है ना, जिसमें ऐसा सिंबल आए थे, कप्पा आ गया था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें पढ़ के रखना,
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियस है कि मैं इनकी थ्योरी तो कवर नहीं करूँगी, क्योंकि थ्योरी मैं एक गुजरे ज़माने में कवर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कल की क्लास में हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये तो कितना बच्चों छाप वाला न्यूमेरिकल है, क्लास टेंथ या क्लास नाइन्थ लेवल का। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की क्लास को